नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेके आए आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 से जितने भी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बन सकते हैं आने वाले सभी परीक्षाओं में। तो दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को रखा गया। दोस्तों, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखेंगे और दोस्तों आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न देखने के लिए आपको ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के ही जाएं पेपर देने। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो दोस्तों, 21वां खेला गया था या 22वां खेला गया था या 23वां या 24वां? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्ल्ड कप 2022 का ये 22वां संस्करण था दोस्तों और ये कतर में हुआ था। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, 2018 में कहाँ हुआ था फीफा वर्ल्ड कप? तो दोस्तों ये रसिया में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप 2018 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया गया? देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ये क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, इसका ये क्वेश्चन यही था। तो आप लोग इस क्वेश्चन के यही बना लें कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों कतर में किया गया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फीफा विश्व कप का आयोजन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कतर में किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, फीफा विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों, फीफा विश्व कप का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक फीफा वर्ल्ड कप चला था दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था? 30 टीमों ने या 32 टीमों ने या 36 टीमों ने या 38 टीमों में? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों, कुल 38 टीमों ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में भाग लिया था दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो दोस्तों, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी थे, जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति हैं। ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नरेंद्र मोदी चौथे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? तो संथाल जनजाति से संबंधित हैं। कौन सी नंबर की हैं ये राष्ट्रपति? तो ये भी 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? जगदीप धनखड़ जी ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? मिराई तोवा है या कोनवे है या सिक्को है या लाइव है? तो दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है लाइव। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? एक्सपेक्ट अमेजिंग, कमाल की अपेक्षा करें या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों है, एक्सपेक्ट अमेजिंग भी है और कमाल की अपेक्षा करें इसका आदर्श वाक्य है फीफा विश्व कप 2022 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का नारा क्या था? ऑप्शन ए है नाउ इज ऑल, ऑप्शन बी आप सब कुछ हैं या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, फीफा विश्व कप का नारा क्या था? नाउ इज ऑल था और आप सब कुछ हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन था? बायजूस था या कतर एनर्जी था या क्रिप्टो.com था या इनमें से सभी था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इनमें इसका आंसर हो जाएगा ये सभी थे, फीफा विश्व कप 2022 के ऑफिशियल स्पॉन्सर बायजूस भी था, कतर एनर्जी भी था और क्रिप्टो.com भी था। आप लोग इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का पहला मैच किसके बीच खेला गया था? तो अमेरिका वर्सेस फ्रांस के बीच खेला गया था या फ्रांस और ब्रिटेन के बीच खेला गया था या कतर और इक्वाडोर के बीच खेला गया था या इटली और चीन के बीच? तो दोस्तों, पहला मैच खेला गया था कतर और इक्वाडोर के बीच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है?
फ्रांस ने जीता या अर्जेंटीना ने जीता या कतर ने या मोरक्को ने, फाइनल जो मैच था फीफा विश्व कप का किसने जीता था? तो दोस्तों ये अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हरा कर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इसमें गोल किया था सर्वाधिक फाइनल मैच में। दोस्तों पहले बात जान लेते हैं फीफा विश्व कप कितने साल बाद आयोजित किया जाता है। तो ये हर चार साल बाद आयोजित किया जाता है दोस्तों फीफा विश्व कप। और जीतने वाली टीम को, जैसे अर्जेंटीना ने फाइनल मैच जीता था तो जीतने वाली टीम को कितनी राशि दी गई थी? तो 42 मिलियन डॉलर की राशि दी गई थी जीतने वाली टीम को, 42 मिलियन डॉलर की, आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि फीफा विश्व कप का आयोजन कब कब नहीं किया गया? तो ये प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1942 और 1946 में, 1942 और 1946 में फीफा विश्व कप का आयोजन नहीं किया गया था। और फीफा विश्व कप का जो फाइनल में जो विनिंग टीम थी उसकी, उसको कितना पुरस्कार मिला था धनराशि के रूप में? तो 42 मिलियन मिला था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। और फीफा विश्व कप कब कब आयोजित किया जाता है? तो हर चार वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2018 में कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है? दो बार जीता है या तीन बार या चार बार या पांच बार? तो दोस्तों अर्जेंटीना ने अब तक कुल तीन बार विश्व कप जीता हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक सर्वाधिक बार फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीते हैं? फ्रांस ने, अर्जेंटीना ने या ब्राज़ील ने या मोरक्को ने? तो दोस्तों अब तक सर्वाधिक बार किसने जीता है? ब्राज़ील ने जीता है, कुल पांच बार इसने जीता है, ध्यान रखेंगे आप। कुल पांच बार ब्राज़ील ने ही जीता है सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल विश्व कप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तक फीफा विश्व कप 2012 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला था? सुनील छन्नी को या किलिम एम्बाम्पे को या लियोनेल मेस्सी को या एंडी जेसी को? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला था किलिम एम्बाम्पे को, गोल्डन बूट का पुरस्कार मिला था। और दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्डन बाल का पुरस्कार किसे मिला है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में? तो गोल्डन बाल का पुरस्कार किसे मिला है? तो लियोनेल मेस्सी को मिला है, लियोनेल मेस्सी को। और गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे मिला है? तो किलिम एम्बाम्पे को मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है, किस खिलाड़ी ने किया है? तो लियोनेल मेस्सी ने किया है, सुनील छन्नी ने, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, या मेरोस्लेव क्लोजो ने किया है? बताइए इसका आंसर। दोस्तों अब तक सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा किस खिलाड़ी ने किया है? तो मेरोस्लेव क्लोजो ने किया है दोस्तों, ऑप्शन डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप कहाँ और कब आयोजित हुआ था? तो रूस में आयोजित हुआ था या चीन में या अमेरिका में या उरुग्वे में? तो दोस्तों पहला फीफा विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो ये उरुग्वे में आयोजित हुआ था, उरुग्वे में। और 1930 में आयोजन हुआ था इसका पहला आयोजन का। कब कब फीफा विश्व कप नहीं हुआ है? तो 1942 में फीफा विश्व कप नहीं हुआ है और 1946 में, ये दो बार हुआ है, जब दो साल हुआ ये इनमें फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं हुआ था, एक बार 1942 में, एक बार 1946 में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और फीफा विश्व कप का पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था? तो उरुग्वे में हुआ था 1930 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, ये तीनों में किया जाएगा दोस्तों फीफा विश्व कप 2026 में आयोजन। अमेरिका और मेक्सिको और कनाडा उपयुक्त तीनों में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जेंटीना ने कितने साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अर्जेंटीना ने कुल 38 साल बाद ये फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता था, आप लोग ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछेगा परीक्षाओं में। सॉरी दोस्तों, अर्जेंटीना ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? तो कुल 36 साल बाद ये वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने, आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल 36 साल बाद जीता था अर्जेंटीना ने ये वर्ल्ड कप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 में।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैच किस खिलाड़ी ने खेला है? तो सुनील छेनी ने खेला है, या हेनरी ने खेला है, या हसन अल ने खेला है, या लियोनेल मेसी ने खेला। किसने खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा मैच खेला है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियोनेल मेसी ने सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप में मैच खेला है। दोस्तों लियोनेल मेसी ने। तो दोस्तों इस तरीके से ना आप लोगों ने देखा फीफा वर्ल्ड कप से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके लिए रख। तो दोस्तों जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें ये टॉपिक ज़रूर आप लोग देख के जाएं, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आने की अत्यंत संभावना है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।